वी आर लाइक अ टेलीविजन, ठीक है। अब टीवी पे न्यूज चैनल भी आते हैं भाई, और टीवी पे कार्टून नेटवर्क भी आता है। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है, तो हर बार की तरह वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो पहले बात करेंगे रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार ने एक लाइव वीडियो में आके बहुत सारे मैटरों के बारे में बात किया। तो पहले रफ्तार बात किए मंबल रैपरों के बारे में। तो बेसिकली लिरिकल रैपर और मंबल रैपर के बीच में जो डिफरेंस है, उस मैटर को भी रफ्तार ने लाइव वीडियो में एक्सप्लेन किया। तो चलिए देख लेते हैं रफ्तार ने इस मैटर पे एग्जैक्टली क्या बोला। इधर उधर कॉन्वर्सेशन चलते हैं तो अच्छा ये रैपर बकवास है, ये रैपर अच्छा है, इसके राइम सुने उसके, और दूसरा बंदा आर्ग्यू कर रहा है, तो दिस इज नेचुरल, पीपल आर गोना आर्ग्यू अबाउट दिस और दैट। ये मेरा फेवरेट है। जैसे देखो तुम्हारे फैंस है जो तुमको बहुत डिफेंड करेंगे, लोग बोलेंगे ओ रफ्तार हमको पसंद नहीं है, एंड देन 10 लोग आ जाएंगे नहीं रफ्तार ने ये किया इसका, वो दिखाएंगे अपने फोन से दिखाएंगे, देखो उसका ये गाना सुनो, उसका वो गाना सुनो, तो यू आर ऑलवेज गोना हैव पीपल दैट एंजॉय डोंट एंजॉय, दैट्स जस्ट द नेचर। चलो कोई बात नहीं, अब इसका क्या कर सकते हैं हम, ये बना सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे लैज़रस का गाना मुझे पसंद नहीं है, इज टू टेक्निकल, मुझको पसंद है, मुझको बहुत पसंद है। कोई लोग बोलेंगे चेगो आई लाइक हिज लिरिक्स, कोई लोग बोलेंगे नहीं नहीं लैज़रस मुझे नहीं पसंद है, दैट्स आई एंड आई अप्रिशिएट दैट, दैट्स फाइन, यू नो। देखो एक रीजन है कि जे कोल अपना लिल पंप एमिनम जेजी ये सब साथ में सरवाइव कर सकते हैं बिकॉज़ There are ears for everybody. सबके लिए कान है और सबके लिए ध्यान है, सबके हिस्से का सबके पास है। अगर एक ही चीज होती, अगर ऐसा होता कि यही हिप हॉप है, तो उसके बाद दूसरा बंदा आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर रहा है। Exactly. उसके बाद तो कोई आ ही नहीं सकता, वो बंदा रिप्लेस कैसे करेगा कोई, क्योंकि हर कोई बोलेगा तेरे करने की जरूरत नहीं है, वो भी यही कर रहा है और वही मेन चीज मंबल जो करते हैं ना, मंबल का मतलब ये है कि कोई कंटेंट इट्स जीरो, लाइक कंटेंट कोई है ही नहीं, लाइक देयर इज नथिंग, इट्स लाइक समबडी, जैसे देखो मैं तुमको चेक दे रहा हूं, तुम जाके बस हेवे ले ले करो और दैट्स इट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। देखो वो मंबल रैप बड़ा होने का भी रीजन क्या है, हां लोग इट्स पीपल्स चॉइस, हां लोगों ने चुना है उसको, या वो भी है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ऑल गोस डाउन टू या भाई। अब देखो अब It's just how it is. अगर आप किसी बच्चे को mostly पकड़ के बोलो कि बेटा बाहर जा और cricket खेल, एक घंटा खेल के आ, या किसी बच्चे को बोले ये ले फोन या ये ले कंप्यूटर और PUBG खेल, वो क्या चुनेगा? Mostly लोग PUBG खेलने जाएंगे, या mostly लोग कंप्यूटर पे बैठेंगे गेम्स खेलेंगे, क्यों? लेस ऑफ वर्क एंड मोर ऑफ एंटरटेनमेंट, उस तरीके का एंटरटेनमेंट जो वो पसंद करते हैं, तो इस चीज से नहीं लड़ सकते भाई। मतलब मैं कॉमर्शियल में भी कोशिश यही करता हूँ कि उसमें कोई बार्स हो, उसमें कोई मैसेज हो, या उसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज हो, ही हो बहुत जरूरी है यार, क्योंकि लोगों का अप्रूवल नहीं, मुझको बहुत अजीब लगता है कि मतलब मैं जब कुछ बहुत इजी लिख देता ना, मैं कह देता हूँ यार कि यार ये क्या लिख दिया, मैं नहीं कर सकता, लाइक आई मीन कोई मंबल रैप्स होते हैं जो अपने आप को आइडेंटिटी उनका बनता है, तो फिर आगे जाके लोग रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ भाई, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक रैपर होता है ना, एक टीवी की तरह होता है, हम सोसाइटी का वो है, सोसाइटी को दिखाने का एक तरीका है, वी आर द विंडो टू दैट सोसाइटी, है ना, हमारे तरफ से लोग, हम जो बोलते हैं उससे लोगों को पता चलता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, पता उनको होता है, पर उनके जहन को अलर्ट मिलता है, वो बोलता है कि हाँ ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बात है, तो वी आर लाइक अ टेलीविजन, ठीक है। अब टीवी पे न्यूज चैनल भी आते हैं भाई, और टीवी पे कार्टून नेटवर्क भी आता है, कार्टून भी आते हैं, और दोनों चैनल बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इंसान बार बार सिर्फ चैनल पे लगा के ये नहीं देख सकता कि यहाँ पे इतने लोग मरे, वहां पे इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसने इसको ये कर दिया है ना, वो जाके कार्टून नेटवर्क पे जाके थोड़ा सा कभी कभी देखेगा, रिलैक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो ठीक है भाई, हम लोग टीवी है बस अलग अलग चैनल वाले। तो आप लोगों ने सुना रफ्तार ने मंबल रैपरों के बारे में क्या बोला। उसके बाद रफ्तार ने काइंड ऑफ इनडायरेक्टली मुफार को भी रिप्लाई किया। तो पहले आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। गाना MTV स्पोकन वर्ड्स के लिए बन रहा था, मुझे उसने सिर्फ ये बताया था, मुझे ये नहीं बताया कौन कौन होगा, उसने कहा आई एम गोना गेट इट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लूंगा मैं वर्ल्ड वाइड से। तो जब गाना बन के तैयार होके आया, उसने मुझे भेजा, तो गाने के अंदर मैं भाई शुरू किया, फिर मैं था, फिर रैक स्टार था, फिर हम्बल द पोएट, फिर सार्ब स्मूथ, फिर बादशाह, एंड देन यू, बिग टिलो, फिर बिग टिलो, फिर सार्ब स्मूथ, फिर मैं। अच्छा, इसी बात पे मेरे को एक बढ़िया बात याद आई भाई, मेरा आखिरी वर्ष था ना, मेरा आखिरी वर्ष था ना, उसमें मैं मैच पाजी के साथ साइन था शायद, तो मेरा तो पहला होना चाहिए था एक तरीके से, है कि नहीं?
मैंने बोल दिया जिसको जो समझना था समझ गया। मेरा आखिरी वर्ष था देसी हिप हॉप पे जो हमारा बहुत बड़ा गाना था और क्या कहते हैं मैंस पाजी का गाना था। मैं मैंस पाजी का आर्टिस्ट था और हमने वो ब्रिटेशिया पे परफॉर्म किया जहां पहली बार मैं गया हूँ। पहली बार देश से बाहर यूके गया था मैं 2014-15 में। वहां मैंने परफॉर्म भी किया है और तब भी आई वाज ओके। खुशी से मैंने बोला हाँ पाजी मेरे को आखिरी चाहिए क्योंकि आखिरी या पहला काफी कल्ला मैं अकेला मैंने लिखा भी ऐसी था। यू रिमेम्बर ब्रो दैट इज लाइक हाउ रियल एमसीज आर। पहले आखिरी से फर्क नहीं पड़ता। नहीं कोई फर्क पहला पहला पहले मैं था। मुझे भी ये भी नहीं था कि मुझे मैंने को ये भी नहीं कहा कि मुझे पहले डाल दे सा। मैंने बस भेज दी उसके पास। उसने कहा कि जमी से मैं तुझे पहले डाल रहा हूँ कि तुम मेलेडी के साथ आ रहे हो तो मेरे साथ ब्लेंडेड होता है जैसे कोरस खत्म होता है। अरे ब्रो मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था क्योंकि पहला आखिरी ऐसे ना बहुत कुछ चल रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल पीपल एक रियल रैपर जो होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाना पहला आखिरी क्योंकि अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग आप तक सुनेंगे। और हमारे टाइम पे इतना हिप हॉप भी बिक नहीं था। मैं 6 मिनट के गाने पे लास्ट में आया था। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले मुफार ने एक लाइव वीडियो में आके बोला था कि रफ्तार के साथ उनका एक कोलैब ट्रैक आया था और जिसमें उनका वर्स एंड में था और उस टाइम पे मुफार उस बात को लेके काफी नाराज भी थे और ये एक रीजन भी था जिसलिए मुफार ने रफ्तार को डिस भी किया था। तो रफ्तार ने उसी बात का रिप्लाई इस वीडियो में किया। तो आप लोगों का अगर इस मैटर पे कोई ओपिनियन है तो कमेंट करके बोलना। तो अभी बात करेंगे एमिवे बंटाई के बारे में। तो एमिवे ने एक लाइव वीडियो में आके अपने अपकमिंग ईपी के बारे में बात किया। तो चलिए पहले देख लेते हैं एमिवे बंटाई ने अपने ईपी के बारे में क्या बोला। तो यस इस हफ्ते में इंशाल्लाह आई एम गोना ड्रॉप माय धुन के दिखा ईपी। उसमें चार गाने फोर ट्रैक्स एंड एक इंट्रो है और एक आउट्रो है। इंट्रो विल बी लाइक स्मॉल ट्रैक और एक आउट्रो है। और जैसे कि क्वारंटीन में बाहर नहीं जा सकता था तो एक्चुअली मैं फिर भी कहीं ना कहीं कुछ करके अवड़ा शॉर्ट द वीडियो सब हो सकता था जैसे कि वीब्रेक एंड सुमित सिंह भंडारे साथ में ही वे कैन स्टिल फिनिश द वीडियो। बट ये सारे गाने के वीडियो आई थिंक और भारी लेवल पे बनना चाहिए। सो मैं सोच रहा हूँ कि ईपी को पहले सिर्फ लिरिकल वीडियो सिर्फ लिरिकल बना के आप लोग को पेश करूँ। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग अपने अपने घर पे वो सब लोग बैठ के घर पे अपने ईयरफोन्स लगा के लिरिक्स पढ़ते पढ़ते मेरे गाने सुनो और गाने के मजे लो। फिलहाल जैसे ही इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद बड़ा म्यूज़िक वीडियो मचाते हैं बिकॉज ये सारे जितने भी गाने हैं सारे गाने के मेरे हिसाब से जस्टिस तब होगा जब इन गानों के वीडियो बहुत भारी बनेंगे। बहुत भारी मतलब अपनी तरफ से लाइक व्हाट आई कैन व्हाट विजन आई हैव ऑलरेडी उस वीडियो के लिए जो मैंने विजन रखा है। तो वो विजन होने के लिए फिलहाल यहाँ पे घर पे रह के या फिर वापस वही जुगाड़ सीन करके वी कांट फिनिश द वीडियो। सो इसलिए वीडियो थोड़ा टाइम बाद बनेगा बट लेकिन वीडियो बनेगा। ये पूरी ईपी जितनी भी है सारे ईपी के सारे गाने के ये बनेगा ईपी का सारा वीडियो बनेगा और तब तक लिरिकल आएगा। यस आप लोग को थोड़ा लिरिकल सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। लिरिकल वीडियो आएगा चार गाना वन इंट्रो वन आउट्रो ढूंढ के दिखा ईपी दिस वीक इट्स गोना बी आउट इंशाल्लाह। एंड मैं बहुत जल्दी एग्जैक्ट डेट आप लोग को मैं बता दूंगा। और यस फिलहाल ईपी का यही अपडेट है मेरी तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना एमिवे की ईपी इसी हफ्ते आने वाली है लेकिन ट्रैक्स म्यूजिक वीडियो के साथ अभी नहीं आएंगे। अभी के लिए लिरिकल वीडियो ही आने वाला है और लॉकडाउन के बाद एमिवे म्यूजिक वीडियोस भी रिलीज करेंगे। और उसके बाद इसी लाइव वीडियो में बंटाई के एक फैन ने बंटाई और डिवाइन के कोलैब के बारे में बंटाई को पूछा तो उसका रिप्लाई एमिवे बंटाई ने क्या दिया चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप अभी एकदम दोस्त हो गए डिवाइन के साथ तो एक ट्रैक आप लोग दोनों का एकदम मचा दोगे दोनों जन। अच्छा ऐसा इंशाल्लाह ब्रदर इंशाल्लाह कोई नहीं अभी तो सब एवरीथिंग इज गुड तो इंशाल्लाह स्पीकर कुछ ऐसा होना है तो बिल्कुल क्यों नहीं आप लोग के लिए कुछ भी आप लोग के लिए कुछ हां है ना हां बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप लोगों ने सुना बंटाई ने उनके और डिवाइन के कोलैब के बारे में क्या बोला। तो इस पे अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट करके बोलना। तो अभी बात करेंगे मुफार के बारे में। तो मुफार का आज एक ट्रैक आउट होने वाला है और शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मुफार का ट्रैक आ चुका होगा। तो ट्रैक के बारे में कल की वीडियो में बात करेंगे। बट मुफार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया और जहाँ पे लिखा हुआ था माँ कसम आउट सून और नीचे लिखा हुआ था असली वालों को ब्रैकेट में ओरिजिनल नहीं लिखना पड़ता और उसके नीचे लिखा हुआ था डिस गेम से पहले बना था तो दिल पे मत लेना। तो शायद इस ट्रैक में कुछ लाइनें ऐसी है जो सुन के आपको लग सकता है कि ये किसी पे डिस है लेकिन मुफार ने ये क्लियर किया है कि ये डिस गेम से पहले का गाना है। तो अभी वेट करते हैं ट्रैक के निकलने का।
तो अभी बात करेंगे इक्का के बारे में। तो इक्का का आज एक ट्रैक आउट हुआ है और ट्रैक का नाम है आवाज़े आजाद। तो ट्रैक अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है तो कमेंट करके बोलना आपको ट्रैक कैसा लगा, और इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए।